नहीं है। पीछे करिए मोइलब, केवल भाव व्यक्त कर सकते हैं। जो घटना चित्रकूट में हुई, श्रेयांश और प्रियांश दोनों मासूम बच्चे, जुड़वा भाई, अपहरणकर्ता पकड़ के ले गए, सरेआम कैंपस से पकड़ के ले गए। 12-13 दिन पकड़े ना जाए। हम इस घटना में किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन मन दर्द से भरा है, पीड़ा से भरा है। अगर ठीक प्रयास किए जाते तो अपराधी पकड़े जा सकते थे। और जो मैंने श्रेयांश और प्रियांश के पिताजी से सुना है, आत्मा फट जाती है। आखिर 13-13 दिन क्या करते रहे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब एक ही चीज है, ये अपराधी जो पकड़े गए किसी भी कीमत पर ना बचे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन पर मुकदमा चलाया जाए। ऐसे दरिंदे जिनको मासूमों पर दया नहीं आई, पैसे भी ले लिए, और जो पिताजी कह रहे थे कि जिंदगी बांध के जल समाधि दे दी, ये फांसी के फंदे पर झूलने चाहिए, इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। क्यों अपराधी पकड़ नहीं पाए, क्यों बच्चे को बचा नहीं पाए, बच्चों को बचा नहीं पाए। और आज जब कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया, क्यों नहीं करेंगे? आत्मा रोती है, लोग निकलेंगे बाहर तो बर्बरता पूर्वक उनको पीटा गया। मेरे सामने उदाहरण है, मानवता भी मर जाए, ऐसी घटना या हुई है, संवेदनाएं सारी समाप्त हो गई है। और मैंने जो आईजी का बयान सुना, मुझे आश्चर्य हुआ कि जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कैसे कह सकता है। मामले को ट्विस्ट करने के प्रयास हो रहे हैं। एक ही चीज है, इस घटना की पूरी जांच, न्यायिक जांच भी हो। और मैं मुख्यमंत्री से यह भी कहना चाहूंगा, नहीं तो इस पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, और आज जो घटना हुई है उसकी भी जांच की जाए, जिसमें लोगों को पीटा गया है। अपराधी पकड़ने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए, सफलता क्यों नहीं मिली, इसकी भी जांच जरूरी है। और बाकी जो अपराधी हैं उनको सीधे फांसी हो, इससे कम कुछ नहीं। आज सतना में रात रुके, कल सतना भी बंद है। हम लोग मौन जुलूस भी निकालेंगे। पूरे प्रदेश में आतंक और भय का वातावरण व्याप्त है। बच्चों के पिता कह रहे थे कि यहां रहे कि यहां से चले जाएं। चित्रकूट डरा हुआ है, और अब तो मध्यप्रदेश डरा हुआ है। इन अपराधियों को कड़ी सजा मिले, फांसी के अलावा और कुछ नहीं। और बाकी चित्रकूट हो या बाकी जगह, गुंडे बदमाश और अपराधी हैं तो उनको पकड़ के सजा दिलाने का अभियान चले। सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस घटना के जिम्मेदार किसको मानते हैं? मुख्य आरोपी बजरंग दल का पदाधिकारी और बीजेपी का झंडा लगा बोलेरो इस्तेमाल की गई। मुझे आश्चर्य होता है कि सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई, इंसानियत खत्म हो गई। ऐसी घटनाओं पर कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आईजी भी कर रहे हैं। 13 दिन क्या कर रहे थे, कौन ने रोका था?
और अपराधी की कोई जाति होती है, कोई धर्म होता है, कोई पार्टी होती है। आज इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? अपनी नाकामी और असफलताओं को छिपाने के लिए अलग तरह की बात की जा रही है। क्यों नहीं पकड़ा, मैं पूछना चाहता हूं। 13 दिन जो भी है पकड़े जाते, लेकिन नहीं, मामले को घुमाना है, फिराना है, ताकि मुख्य मुद्दे से ध्यान हट जाए। ये शैली हो गई है इस समय सरकार की, कोई भी घटना है भाजपा का नाम ले दो, जो भी है लटकाओ फांसी के फंदे पर, लेकिन घटना को इधर उधर नहीं होने दूंगा। कोई अपराधी ना बचे, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है, और अगर ढंग से नहीं करेंगे तो प्रदेश में जबरदस्त जन आंदोलन होगा, हम छोड़ेंगे नहीं।